में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनामेटिक्स कैनामेटिक्स को देखने से पहले हम जानते हैं मैकेनिक्स मैकेनिक्स एक फिजिक्स की यूनिट होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं मेजोरली कैनमेटिक्स में और स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड इन डायनेमिक्स वी स्टडी मोशन लाइक फोर्स यानी कि जब भी, भी हम मोशन को एनालाइज कर रहे होंगे काइनामेटिक्स में तो वहां पर वी विल डील विद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि किसी भी टाइम फ्रेम में एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे यानी कि ये मेजॉरिटी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम के बारे में स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में हम मोशन को एनालाइज करते हैं और मोशन दो तरह से डिफाइन होते हैं एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन की क्लासिफिकेशन हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए प्लेन यानी कि टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस यानी कि थ्री डायमेंशनल मोशन में करते हैं इसके बाद हम जानते हैं कि वॉट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन किसको बोलते हैं पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन यानी कि अगर कोई भी वन डी मोशन है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें क्या होगा पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन में हो सकता है वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है वो वर्टिकल भी हो सकता है या फिर किसी इंक्लाइन एंगल पर हो सकता है बट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन होगा पाथ ठीक है एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार ऑन स्ट्रेट रोड यानी कि आपके पास एक रोड है हाईवे और उसके ऊपर एक कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन नेक्स्ट थिंग इज वेन वी डिफाइन और एनालाइज मोशन वी हैव टू डिफाइन वॉट इज रेस्ट एंड वट इज मोशन यानि की पार्टिकल की जो स्टेट है वो रेस्ट स्टेट कौन सी होगी और मोशन कब होगा ये हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी तो यानी कि रेस्ट एंड मोशन आर डिफाइंड टू ऑब्जर्वर ये जो दोनों टर्म है रेस्ट और मोशन बड़े ही क्रूशियल हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यानी कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम से डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पैसेंजर मूविंग इन अ ट्रेन पैसेंजर ए एंड पैसेंजर बी यानी कि आपके पास एक ट्रेन मूविंग ट्रेन है उसमें आपके दो पैसेंजर हैं, दे दे आर आर ए एंड बी, मूविंग विद द ट्रेन, ओके? और अकुली, एक कुली, सी ऑन द प्लेटफॉर्म और यहां पर एक कुली है जिसको हम कॉल कर रहे हैं सी तो अब क्या होता है पैसेंजर ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कुली अगर ये कुली ए को देखता है तो ये मोशन में दिखता है और ये कुली अगर बी को भी दिखता है तो ये ट्रेन के साथ दोनों ही मूव करते हुए हैं यानी कि बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी यानी कि कुली अगर ए को देखेगा वो भी मोशन में दिखेगा बी को देखेगा वो भी मोशन में दिखेगा लेकिन पैसेंजर ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी लेकिन आप देखोगे लेट से ए और बी बात कर रहे हैं आपस में सो दे आर टॉकिंग वेरी कंफर्टेबली वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं यानी कि दे आर मूविंग टूगेदर बट वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं ए और बी में जितना भी डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड है यानी कि बी अगर ए को देखेगा तो ए इज रेस्ट ए इज रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी तो अब ए एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो मोशन में है और दूसरे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रेफरेंस में वो रेस्ट पर है तो अब आप बताइए कि पैसेंजर ए आपका मोशन में है कि रेस्ट में तो बच्चों मोशन और रेस्ट हमने देखी है यानी कि ए पार्टिकल हमारा एक बार में रेस्ट पर दिखा और एक बार में मोशन में दिखा तो हम आप सोचिए बच्चों ए को हम क्या बोलेंगे इट इज इन रेस्ट और इन मोशन तो बच्चों आंसर क्या होगा रेस्ट या मोशन तो बच्चों रेस्ट और मोशन दोनों ही आंसर नहीं होंगे या फिर आप कह सकते हो दोनों ही आंसर होंगे ए मोशन में भी है और ए रेस्ट पर भी है यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है मोशन में भी है रेस्ट पर जी हाँ यानी कि जो रेस्ट और मोशन है वो आपके डिफाइन होंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑब्जर्वर अगर आप सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये मोशन में आएगा और अगर बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये रेस्ट में आएगा तो ये कह रहे हैं कि जो भी रेस्ट और मोशन है वो डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जर्वर किसको सेलेक्ट कर रहे हो तो जब भी भी आप ऑब्जर्वर चेंज करोगे तो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं वी डिफाइन इफ द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल नॉट चेंज विद किसी भी पार्टिकल की पोजिशन टाइम के विद टाइम चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू अ विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर यानी कि एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस से अगर देखें तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन टाइम पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हम उस पार्टिकल को बोलेंगे इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू हमें हमेशा बताना पड़ेगा अब मोशन को कैसे बोलते हैं इफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस इफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम चेंजेस विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू अ टू एन एन ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल की पोजिशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे अ पार्टिकल इज इन मोशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो बोलेंगे पार्टिकल इज इन रेस्ट यानी कि जब भी, भी हम पोजिशन की बात करेंगे जब भी, भी हम किसी चीज की पोजिशन की बात करेंगे वी रीड अंस और वो रेफरेंस क्या होगा हमारा ऑब्जर्वर होगा देखो हम किसी भी पोजिशन को बात करते हैं तो कॉर्डिनेट फ्रेम में भी यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर या कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो वो क्या लेते हैं ओरिजिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन डिफाइन करी जाती है ऐसे ही जब भी भी पोजीशन की बात करेंगे तो हम वी विल स्टिक आवर रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम कभी भी पोजीशन की बात करेंगे यानी कि रेफरेंस और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम तो जब भी, भी हम किसी चीज को रेफरेंस बोलेंगे हम बोलेंगे इट इज आर रेफरेंस फ्रेम बात आती है अभी हमने स्टडी करे ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन तो इनको कैसे डिफरेंशियट करेंगे रोटेशनल को हम डिटेल में में आगे वाले आने वाले आने चैप्टर्स पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मोशन को यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन मोशन में ओनली पोजिशन चेंजेस ओरिएंटेशन डज नॉट एंड इन रोटेशन ओरिएंटेशन चेंजेस फॉर एग्जाम्पल आपका फैन है यानी कि सीलिंग फैन है सीलिंग फैन बस अपनी पोजीशन पर घूम रहा होता है तो वहां पर क्या होता है उसकी ब्लेड्स ब्लेड की ओरिएंटेशन चेंज हो रही होती है विद टाइम तो वो कैसा मोशन होता है ट्रांसलेशन सॉरी रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन कौन सा होगा जब यानी कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से यानी कि एक बस है और वो सीधे सीधे रोड पर दूसरे पोजीशन पर चेंज हो गई है तो आपने देखा ये सीधी बस है सीधी हो गई है इसका कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है यानी कि अपराइट है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में पूरी की पूरी पोजीशन चेंज हो रही है यानी कि अगर आप एक देखो आई हैव अ पेन ये कुछ एस इस तरह करके आपके पास पेन है और ये एज इट इज यहां मूव कर जाता है तो इसको बोलेंगे है, ट्रांसलेशन मोशन लेकिन अगर ये अपनी पोजीशन पर ही अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है तो बोलेंगे ये रोटेशन हो गया इसका रोटेशन हो गया और अगर एज इट इज ये मूव करे तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन तो जब भी हम मोशन को पढ़ते हैं तो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो जिनको हम डील करते हैं उनमें से सबसे पहले आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं सपोज करो एक ऑरिजिन है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की कुछ इनिशियल पोजिशन है जिसको हम नाम देते हैं एक्स आई फाइनल पोजीशन है जिसको हम नाम देते हैं X है तो डिस्प्लेसमेंट को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही लिखना है इनिशियल पोजीशन चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए अगर आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव आएगा अगर आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल से कम हुई तो ये नेगेटिव आ सकता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डिफाइन किया जाता है आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है अगर आप इनिशियल से लेफ्ट साइड यानी कि आपका पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सेस दूसरी अगर हम अगर हम यहां पर 2D में यानी कि प्लेन में बात करें प्लेन में से दिस दिस इज इज द द इनिशियल पोजीशन पोजीशन एंड फाइनल पार्टिकल का पाथ है ये पार्टिकल ये ब्लैक लाइन के थ्रू फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया तो जो भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे देखो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर इनिशियल और ये है आर फाइनल तो पोजीशन वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आप देखेंगे कि आपको ये मिल okay, vector, आपको देगा. और ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अगर आपने पाथ कोई भी फॉलो किया इट ड मैटर ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन क्या है फाइनल पोजीशन क्या है अगर आपका पाथ कुछ इस तरह से भी होता तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल रिमेन सेम तो यानी कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बात करते हैं डिस्टेंस की डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड यानी कि अगर पोजिशन एक्स पर है पार्टिकल गया पोजीशन टू पर एक्स टू पर और यहां से रिटर्न होके वो एक्स थ्री पर आ गए तो अगर हम टोटल डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो ये देखो ये लेंथ उसने ट्रेवल करी यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉडल लेंगे मॉडुलस जो कि पॉजिटिव आएगा फिर उसने ये लेंथ ट्रेवल करी हम बोलेंगे एक्स थ्री माइनस एक्स टू और इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी ये लेंथ आ जाएगी और टोटल को एड कर देंगे यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज वाइल अगर इसी में आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट में आप x3 थ्री माइनस एक्स कर देंगे यानी कि x1 कर देंगे इनिशियल और अगर 2D में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ कि इस पाथ की लेंथ कितनी है इस लेंथ पर डिपेंड करेगा इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ट्रेवल्ड यानी कि अगर आप दूसरा पाथ लोगे तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा पाथ लोगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपने देखा इनिशियल पोजीशन सेम है फाइनल पोजीशन सेम है लेकिन यू आर टेकिंग डिफरेंट पाथ लेट्स से बी एंड सी तो आपका डिस्टेंस अलोंग ए डिस्टेंस अलोंग बी एंड डिस्टेंस अलोंग सी तीनों चेंज होंगे बट डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों रहेगा कि वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन का डिफरेंस होता है यानी कि वेक्टर का डिफरेंस करेंगे तो ये वेक्टर होगा आप चाहे किसी भी पाथ के थ्रू आए तो हम वी कैन कंक्लूड दैट कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा हमेशा लेंथ होगा यानी कि पूरा लेंथ जो भी आपने ट्रेवल किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमेशा फाइनल और इनिशियल पोजिशन पर डिपेंड करेगा तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस जो कि लेंथ होगी टोटल पाथ वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट तो अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है तो किसी भी और पाथ से जाएंगे तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो यानी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उससे डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पार्टिकल इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए देन गोज टू पॉइंट बी पॉइंट बी से फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री पर फिर वो पॉइंट सी पर जाता है और दिस इज पॉइंट डी आपकी इनिशियल पॉइंट हो गई एक्स ए और फाइनल पॉइंट हो गई एक्स डी यानी कि ये एक्स एफ हम बोलेंगे इस कंडीशन में इफ इट इज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 50 plus 50 plus 50 प्लस प्लस कि कितना हो जाएगा 150 मीटर तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 150 मीटर वाइल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम बोलेंगे इनिशियल से फाइनल वैक्टर टच कर दो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल तो ये वैक्टर आएगा ये वेक्टर आएगा तो आप इसको देखेंगे ये पूरा स्क्वायर बनेगा और यहां पर इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 50 मीटर 50 मीटर तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज अलोंग नॉर्थ नॉर्थ के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बोल सकते हैं इट इज फिफ्टी मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ तो ये बात हो गई आपकी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट बात आती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते थे यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल है उसमें जितना भी टाइम लगा उसको उससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज स्पीड मिल जाएगी और एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन तो बस इनमें डिफरेंस यही है कि इसके न्यूमिनेटर में डिस्टेंस आता है और इसके न्यूमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट आता है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस तो क्या होगा ये डिस्टेंस अपॉन टाइम

बर्ड फ्लाइज फ्रॉम ईस्ट एट टेन मीटर पर सेकेंड फॉर हंड्रेड मीटर यानी कि बर्ड हंड्रेड मीटर फ्लाई करती है विदीड ऑफ वी वन इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड देन इट टर्नस अराउंड एंड फ्लाईज एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड फॉर फिफ्टीन सेकेंड यानी कि फिफ्टीन सेकेंड के लिए ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड में हम बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम होगा टी वेलोसिटी तो सबसे पहले एवरेज स्पीड ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ सॉरी टोटल टाइम यहां पर टोटल डिस्टेंस देखेंगे आप तो 100 मीटर तो फॉरवर्ड गया तो इसको 100 मीटर लिख लेंगे और जब बैकवर्ड आने में तो डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो हम d2 को हम निकाल सकते हैं डी टू विल यहाँ पर d2 आ जाएगा आपका 300 मीटर तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हम बोल सकते हैं हंड्रेड प्लस हो जाएगा फोर मीटर और टाइम अगर हम देखें तो अपगोइंग जर्नी में आपका 100 मीटर और उनकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि जाने का टी वन टाइम आपका होगा 100 ओवर 10 यानी कि 10 सेकेंड्स राउंड जर्नी में यानी कि रिटर्न जर्नी में आप देखेंगे 20 मीटर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड यानी कि टी टू आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 15 सेकेंड तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा टेन प्लस फिफ्टीन यानी कि ट्वेंटी फाइव सेकेंड आप टोटल टाइम यानी कि ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड हो जाएगी फोर हंड्रेड ओवर ट्वेंटी फाइव तो यानी कि दिस इज सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड तो आप देखेंगे जाते टाइम इनकी टेन मीटर पर सेकेंड थी आते टाइम इनकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड लेकिन एवरेज इनकी स्पीड आई है 16 मीटर पर सेकेंड दूसरी बात करें कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने इनका निकालना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे दिस इज 100 मीटर और रिटर्न जनरी है आपकी 300 मीटर तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये देखेंगे दिस इज 200 इन नेगेटिव डायरेक्शन सो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 हंड्रेड इन माइनस डायरेक्शन यानी कि रिटर्न में आप 200 हंड्रेड एक्स्ट्रा आए हैं और उसको बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज टोटल टाइम इज 25 तो एवरेज एवरेज आपकी स्पीड हो जाएगी यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 200 है और इसको टाइम से अगर डिवाइड करें एवरेज एवरेज बलॉसटी एवरेज बलॉस टू हंड्रेड ओवर ट्वेंटी फाइव दैट इज माइनस एट मीटर पर सेकेंड तो दिस विल बी योर एवरेज बलॉसटी एंड एवरेज स्पीड इज सिक्स मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पार्टिकल कवर्स ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस

जर्नी का जो टाइम होगा वो होगा d अपॉन टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और t2 हो जाएगा d अपॉन टू वी टू आप टोटल टाइम को ये रखेंगे तो एवरेज स्पीड आपके पास आने वाली है एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस इज d एंड टोटल टाइम इज d बाई टू ओवर वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू यहाँ पर हमने d बाई टू को कॉमन ले लिया यहाँ पर देखेंगे डी डी कैंसिल हो जाएगा टू यानी कि ऊपर जाएगा आपके पास आ जाएगा टू और नीचे आप देखेंगे दिस इज वी वन वी टू प्लस वी वन अपॉन वी वन वी टू एल सी एम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टू वी वन वी टू ओवर वी वन प्लस वी टू ये आपकी फाइनल एवरेज स्पीड आ जाएगी दिस इज टू वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई यानी कि एक्स से वाई डिस्टेंस जाने में इट इज गोइंग विद यूनिफॉर्म विस्ट स्पीड वी यू रिटर्न टू द एक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी यानी कि यहाँ पर वापस आ रहा है वी डी से तो हम यहाँ पर डिस्टेंस आप यहाँ पर मान सकते हैं लेट से दिस इज डिस्टेंस डी अगेन डिस्टेंस डी वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रेन अगेन सेम होने वाला है आपका एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस करेंगे आप डी प्लस डी यानी कि टू डी हो जाएगा टाइम करेंगे डी अपॉन वी यू प्लस डी अपॉन वी डी इसको सॉल्व करेंगे आपके पास टू डी और यहाँ पर डी कॉमन लेंगे अगेन वन अपॉन वी यू प्लस वन अपॉन वी डी आने वाले है। आपके पास एवरेज स्पीड कुछ उसी तरह है, आपके पास टू वी यू वी डी ओवर वी यू प्लस वी डी आएगी ये कैसे आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वी डी आ जाएगा यहाँ पर वी यू आएगा

कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अच्छा रेडियस आपको दिया हुआ है रेडियस इज हंड्रेड मीटर तो आप देख सकते हैं लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड वन राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप जो आपका डिस्टेंस होगा आप देखेंगे डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस विल बी टू पाई आर देट इज टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर इज हंड्रेड मीटर तो आप देखेंगे सिक्स पॉइंट टू एट इंटू हंड्रेड मीटर ये हो जाने वाला है यानी कि सिक्स ट्वेंटी एट मीटर और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो so, डिसमेंट आप देखेंगे एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आपकी एंड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो फॉर एवरेज स्पीड वी नीड टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इज 628 मीटर एंड टाइम टेकन इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 62.8 सो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो यानी कि टेन कॉमन जीरो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्पीड इन्होंने पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड यानी कि वेलोसिटी जीरो है और स्पीड टेन है तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री ये तीन क्वेश्चन है बच्चों ये आपको होमवर्क में कर। ये आप होमवर्क कर, करके आएंगे हम क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं सो so, सभी बच्चे इसको इन क्वेश्चन को करेंगे इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी एक्स बाई डी टी अगर हम वन डायमेंशन की बात करें अगर हम प्लेन मोशन इन प्लेन की बात करें तो डी आर बाई डी टी यानी कि डी आर इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी कि यानी कि डी आर बाई डी टी अगर आप करें ये एवरेज वेलोसिटी है अगर यहाँ पर लिमिट यानी कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो जाती है डेल्टा टेंस टू जीरो हो जाती है तो ये एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाता है डी आर बाई डी टी में यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप वन डी में करें तो डीएक्स बाई डी टी का मैग्नीट्यूड लेंगे और अगर प्लेन में डिफाइन करें तो आप इसको डिफाइन करेंगे डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर यहाँ पर आप देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वो हमेशा इक्वल होगा लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल नहीं होती हैं यहाँ पर लेकिन इनका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्व एवरेज स्पीड का मैग्निट्यूड बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नैग्निट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियसोसिटी फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको गिविन है क्वेश्चन में गिविन है अ पार्टिकल पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सएक्स इज गिविन यानी कि यहाँ पर पोजिशन दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइव टी स्क् माइनस फोर टी प्लस ट्वेंटी मीटर वे आर टी इज इन सेकेंड आपको निकालना है एवरेज वाला बिटवीन टीव टू वन सेकेंड एंड टीव टू थ्री सेकेंड सेकेंड पॉइंट है वेलॉसिटी एट एनी टाइम एन वलॉसटी टीव टू थ्री सेकेंड थर्ड है टाइम वेन पार्टिकल इज एट रेस्ट यानी कि उसकी स्पीड जब जीरो होगी तब पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो वन बाई वन हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज निकालेंगे यानी कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में हम बोलते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ओवर टी टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तो एक्स फाइनल में यहां पर होगा कि टी इक्व टू थ्री सेकेंड पर टी इक्व टू थ्री सेकेंड पर एक्स यहां पर थ्री सेकेंड पर कितना होगा माइनस एक्स वन सेकेंड पर कितना होगा डिवाइड बाई थ्री माइनस वन ये आ जाएगा आपके पास टू तो आप अगर थ्री सेकेंड पर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यानी एक्स को कैलकुलेट करेंगे अगर आपका टीव टू थ्री सेकेंड है तो आप इसमें वैल्यूज में पुट करेंगे देखो ये फाइव हो जाएगा फाइव में टी की जगह आप थ्री रख देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर टी की जगह आप वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ पर थ्री प्लस ट्वेंटी ये आप होगा इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेल्व दैट इज फिफ्टी थ्री ये फिफ्टी थ्री वैल्यू हो जाएगी और एक्स इक्व टू टी टीव टू वन पर अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर होगा फाइव इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस ट्वेंटी आप देखेंगे ये आपके पास ट्वेंटी वन आ जाएगा तो यानी कि T इक्व टू वन पर इसकी वैल्यू है 20 और T इक्व टू थ्री पर इसकी वैल्यू है 53 थ्री तो यहाँ पर आप बोलेंगे 53 थ्री माइनस ट्वेंटी वन ओवर थ्री माइनस टू इज आप x फाइनल माइनस एक्स इनिशियन निकालेंगे यानी कि यह या आपके पास आ जाएगा 32 टू ओवर टू तो आपकी जो स्पीड आने वाली है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड ये आपकी आएगी सेकेंड आपको निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए आप क्या करेंगे बी पार्ट का आप सॉल्व करेंगे दिस इज ए पार्ट बी पार्ट में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में आप क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी एक्स आपको दिया हुआ है यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे फाइव टी स्क्र माइनस फोर टी प्लस ट्वेंटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव आप करेंगे दैट इज टेन टाइम्स टी आप देखो टी स्क्वायर को डिफ्रेंशियट करेंगे तो टू टी आएगा टू टी इंटू फाइव टेन टी हो जाएगा माइनस फोर यानी कि आप 4t को डिफरेंशियट करेंगे तो फोर इंटू वन आएगा प्लस ज़ीरो ट्वेंटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वेंटी आएगा तो यानी कि आपकी स्पीड एट एनी टाइम यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम आप आ, आया है टेन माइनस फोर टेन टी माइनस फोर सो दिस इज़ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टेन टी माइनस फोर अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि t इक्व टू थ्री पर वेलोसिटी निकालिए यानी कि अगर t इक्व टू थ्री सेकेंड रखते हैं तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी थर्टी माइनस सिक्स थर्टी माइनस फोर दैट इज ट्वेंटी सिक्स मीटर पर सेकेंड अब इसमें पूछा गया है सी पार्ट में फाइंड द टाइम वेनो पार्टिकल इज एट रेस्ट यानी कि आपकी वेलोसिटी इज इक्व टू जीरो दैट इज टेन टी माइनस फोर तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर सेकेंड जीरो पॉइंट फोर सेकेंड पर इसकी टी की वैल्यू आ जाएगी इसके बाद अगर हम वेलोसिटी का एनालिसिस करें वेलोसिटी का एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर हम टाइम बनाते हैं और एक एक्सेस पर हम वेलोसिटी बनाते हैं तो आप देखेंगे वेलोसिटी का फंक्शन v टू टेन टी माइनस फोर यानी कि टी इक्व टू जीरो पर वेलोसिटी माइनस फोर है अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा यानी कि माइनस फोर मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन कब है और टी इक्व टू जीरो पॉइंट फोर सेकेंड जीरो पॉइंट फोर आप देखेंगे टी इक्स टू जीरो से लेके टीव टू जीरो से लेकर टी इक्व जीरो पॉइंट फोर सेकेंड तक ये वेलासिटी नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी इज नेगेटिव फ्रॉम टी ग्रेटर देन देन टू लेस तो यहां पर अगर वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन एंड इफ

तो पहले टीव टू जीरो पर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और जीरो पॉइंट फोर पर डायरेक्शन में मूव करेगा तो पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करेगा पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा फिर रेस्ट पर आएगा और फिर उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी इन सेकेंड्स एक्स इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ यहाँ पर यह डिस्टेंस दे रखा है हाउ लॉन्ग वुल दार्टिकल ट्रेवल यानी पर रेस्ट पर आने से पहले ये कितनी दूर चलेगा इस पार्टिकल की पोजिशन आप देखेंगे ये डिस्टेंस दिया हुआ है ओ से टी इक्व टू जीरो पर आप देखेंगे इसका पहले पोजिशन है टीवस टू जीरो पर अगर आप यहाँ इस वैल्यू में जीरो डालें प्लस ट्वेल्व टी माइनस टी क्यू टी इक्व टू जीरो डालेंगे आपको एक्स की वैल्यू फोर्टी मिल जाएगी तो यानी कि एक्स इक्व टू फोर्टी से पार्टिकल स्टार्ट होता है और जैसे जैसे ट्रेवल होता है तो यहाँ पर आप वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आएगा वेलास्टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यानि कि इट विल बी ट्वेल्व माइनस थ्री टी स्क्वायर तो यहां पर फोर इंटू सॉरी थ्री इंटू दिस इज तीन को कॉमन लेंगे दिस इज फोर माइनस ये आएगी तो वेलॉसिटी टीव टू जीरो पर आप देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और फिर धीमे धीमे रिटार्ड हो रहे हैं और बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि फोर माइनस टी स्क्वायर जीरो होगा फोर माइनस टी स्क्वायर जीरो होगा तो टी स्क्वायर इक्व टू फोर यानि कि टी की वैल्यू प्लस माइनस टू आएगी यानी कि हम टाइम को माइनस में नहीं लेंगे और टाइम को हम बोलेंगे टू सेकेंड पर टीक टू टू सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यानी कि ये रेस्ट पर आ जाएगा तो रेस्ट पर आने से पहले इतना इसने कितना ट्रेवल किया तो यानी कि हमें टी इक्व टू जीरो से टी इक्व टू टू सेकंड में आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप x इक्व टू एक्स निकालेंगे या टी इक्व टू टू पर इसकी वैल्यू देखेंगे फोर्टी t की जगह आप डाल देंगे टू यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास टू माइनस टी क्यूब यानी कि टू का क्यूब एट आप देखेंगे दिस इज फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर माइनस एट इज सिक्सटीन टू का क्यूब आएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा सिक्सटीन यानी कि आपके पास 56 आएगा तो आप x2 टू माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 56 इस मीन टाइम में यानी कि आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर रहे हैं आप देखेंगे यहां पर t इक्व टू जीरो से 2 तक इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और टी इक्व टू पर इसकी वैल्यू एक्स इक्व टू फिफ्टी सिक्स हो जाती है तो यानी कि ये रिटर्न नहीं कर रहा है रिटर्न कर रहा होता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती यानी कि आप देखेंगे टी इक्व टू के बाद इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन हमें निकालना है एक्स इक्व टू जीरो से एक्स इक्व टू सॉरी टी इक्व टू टू सेकेंड तक इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम बोल सकते हैं एक्स फाइनल फिफ्टी सिक्स होगा एक्स इनिशियल 40 होगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा और वो आ जाएगा 16 मीटर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर 16 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड यानी कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी दी हुई है और डिस्टेंस पूछा हुआ है तो आपको यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी क्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर इक्व टू वेलॉसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो यहां डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे डी टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी से मल्टीप्लाई करें डी टी से मल्टीप्लाई करें तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है यानी कि डेल्टा एक्स निकालना है आपको बिटवीन वन सेकेंड टू टू सेकेंड तो क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टी इक्व एक्स इनिशियल से एक्स टू तक तो दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन वन सेकेंड एंड टी टू सेकेंड और यहां पर टी 1 से टी इक्व टू पर तक इंटीग्रेट कर देंगे यानी कि अगर x को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलती है और वी डी टी इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टाइम लिमिट के साथ तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू और लिमिट आएंगी टी इक्व टू वन से टी इक्व टू टू तक प्लस यहां पर अगर टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यूब बाई थ्री आएगा और लिमिट आएंगी टी इक्व टू वन से टी इक्व टू टू तक आप पहले को इंटीग्रेट करेंगे यानी कि ए बाई टू और टी स्क्वायर यानी कि फोर स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस बी बाई थ्री और अब टू टू क्यूब यानी कि एट माइनस वन हो जाएगा आपके पास थ्री ए बाई टू प्लस सेवन बी बाई थ्री इस तरह से आंसर आ जाएगा और आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन वन में मैच कर जाएगा दिस इज द आंसर हमने एक रिलेशन निकाला v एज ए फंक्शन ऑफ t इज dx एक्स बाई डी यानी कि x को डिफ्रेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी आ जाती है लेकिन अगर आप v dt टी इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये dx को इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास x2 टू माइनस एक्स आएगा यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा ये t1 से t2 आप किसी भी टाइम से t1 से t2 इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट देगा तो जहां आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आपको वेलोसिटी देगा वहीं इंटीग्रेशन ऑफ वी आपको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड एक्स एट वट टाइम द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी यानी कि अगर कार P की वेलोसिटी निकाले हैं आप vP तो आप डी एक्स पी बाई डी टी कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ए प्लस टू बी टी आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ Q निकाले हैं यानी कि वेलोसिटी ऑफ Q इज डी एक्स क्यू बाई डी टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास एफ माइनस टू टी आएगा अब पूछा हुआ है सेम वेलोसिटी कब होगी दोनों को इक्वेट कर देंगे यानी कि जिस पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होगी तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे f माइनस टी अब t को एल में ले आएंगे ये आ जाएगा टू बी प्लस टू इन टी और आर में a को ले जाएंगे ये हो जाएगा f माइनस ए तो अब t की वैल्यू निकालेंगे दिस इज f माइनस ए अपॉन टू टाइम्स ये आपका टाइम आ जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तो आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन मैच कर रहा है इसके बाद हम नजर डालते हैं ग्राफ्स पर हमने बोला था कि डी आर बाई डी टी और डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। हम ये पढ़ चुके हैं कि डीएक्स बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ एक्स टी अगर xt कर बनाएं तो उसका स्लोप जो होता है वो dx/dt से दिया जाता है तो अगर आपके पास कांस्टेंट और पॉजिटिव वेलोसिटी है कैसा है कांस्टेंट और पॉजिटिव वेलोसिटी तो dx/dt आपका क्या होगा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है यानी कि स्लोप कैसा है पॉजिटिव है आपका स्लोप पॉजिटिव है स्लोप पॉजिटिव है तो आपकी जो वेलोसिटी यानी कि एक्स-टी कर्व बनेगा ऐसे बनेगा यानी कि ये स्लोप देख रहे हैं आप पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट स्लोप है तो ऐसे कि स्लोप नेगेटिव होगी टी कर्व की एक्सटी कर्व की स्लोप नेगेटिव होगी तो इस तरह से ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन देन आप ये देखेंगे इस कर्व में इस में आप देखेंगे स्टार्टिंग में एक्स डी एक्स वाई डी टी यहाँ पर टेंजेंट डाल के देखेंगे यहाँ पर स्लोप जीरो है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टाइम में ये पॉजिटिव स्लोप हो रही है और फिर और पॉजिटिव स्लोप हो रही है यानी कि यहां पर v v वेरिएबल है वेरिएबल है ठीक है लेकिन आप देखेंगे क्या है स्लोप जीरो से इंक्रीज हो रही है स्लोप जीरो से इंक्रीज हो रही है यानी कि इंक्रीजेस विद टाइम विद टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम हो रहा है ये कुछ तो जैसे जैसे स्लोप है इंक्रीज हो रही है वैसे ही क्या हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव साइड में v इज पॉजिटिव सेकेंड ये आप ग्राफ देखेंगे यहां पर किसी भी t इक्व टू जीरो पर आप स्लोप डालेंगे तो कुछ ऐसी है पॉजिटिव है v t equals to 0 v t टू पर आपकी पॉजिटिव है उसके बाद आप देखेंगे स्लोप डिक्रीज होती जा रही है पॉजिटिव है बट स्लोप इज डिक्रीजिंग यानी कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग का कर्व बनाना हुआ तो ऐसे बनेगा और वेलोसिटी इंक्रीजिंग का कर्व बनाना हुआ तो ऐसे होगा इसके बाद हम यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल शोन इन एलन बिलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट यानी कि नेगेटिव क्या होगा यानी कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए स्लोप आपका नेगेटिव होना चाहिए तो स्लोप नेगेटिव होने के लिए आप देखेंगे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप आप देखेंगे ई e पर है और एफ पर फिर देखेंगे पॉजिटिव स्लोप है तो आंसर आपका स्लोप नेगेटिव कहां रहेगा ई e पर रहेगा तो ई विल बी द करेक्ट आंसर देन इसके बाद विल सी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसे बनाते हैं यानी कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है उसको डिस्टेंस टाइम कर्व में कैसे चेंज करेंगे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए तो देख लिया तो डिस्टेंस टाइम कर्व में और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में क्या अंतर रहेगा ये हम देखेंगे तो ये आप देखिए ये कर्व कैसा है देखो आप एक्स इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है और यहां पर वेलोसिटी जीरो है उसके बाद एक्स डिक्रीज हो रही है तो आप यहां पर तीन रीजन बनाएंगे यहां पर एक लाइन खींचेंगे दिस रीजन इज वन

रीजन थ्री देखेंगे रीजन थ्री में आप देखेंगे कि कोई भी स्लोप डालेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगी यानी कि वेलोसिटी कैसी हो गई है नेगेटिव हो गई है तो वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप देखेंगे जब भी, भी कोई पार्टिकल सीधे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन वापस आ रहा है तो भी डिस्टेंस बढ़ रहा है जब पार्टिकल रिटर्न होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो कम होता है क्योंकि वो फाइनल पोजीशन उसकी डिक्रीज हो रही है लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होता है तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां तक इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है वो पोर्शन तो सेम आएगा लेट से दिस टाइम इज टी वन एंड दिस टाइम इज ऑल्सो टी वन तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे यानी कि जब तक इंक्रीज हो रहा है वो टी वन एज इट इज रहेगा लेकिन जिस पॉइंट से वेलोसिटी नेगेटिव हुई है जिस पॉइंट से वेलोसिटी नेगेटिव हुई है डिक्रीज होनी हुई है उस पॉइंट पर क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इंक्रीज ही होगा उसके बाद आप देखेंगे ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व था ऐसे तो आप क्या करेंगे उसका ऐसे इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे अगर आपका कर्व ऐसे है तो उसका मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट लेंगे तो ये कुछ इस तरह से

तो t1 टाइम पर उसका X1 डिस्टेंस है और पर उसका x2 डिस्टेंस है, तो आपको रखना है, कि जबी भी है और भी डिस्प्लेसमेंट टाइम पर उसका इमेज लेना है। तो ये वाला हो जाएगा आपका डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम और ये वाला हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम तो इस तरह से आप डिस्टेंस टाइम निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल शोज ए

सॉरी बी पर कुछ स्लोप ऐसा आएगा और सी पर थोड़ा स्टीप आएगा तो आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर स्लोप आप देखें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सी पर स्लोप ज्यादा है तो सी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप तो यहां पर आंसर आ जाएगा सी सी पर इसका स्लोप ज्यादा है तो आपका आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन 1D? यानी कि 1D में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जाता है या पीछे आता है तो आप देखेंगे ये और ये भी वी टी कर्व है और ये भी vt कर्व है ठीक है और ये भी VT कर्व, तो वी टी कर्व आपका ऐसा आ सकता है ऐसा आ सकता है ऐसा आ सकता है ठीक है लेकिन आप देखेंगे कि एक ही टाइम पर एक ही टाइम पर आप दो वेलोसिटी देख सकते हैं पार्टिकल की किसी भी टाइम पर किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी यानी कि पार्टिकल एक है तो किसी भी टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी यानी कि आप किसी भी वेलोसिटी दो टाइम पर हो सकती थी यहां पर यहां पर देखें ये वेलोसिटी इस टाइम पर और इस टाइम पर है तो यहां पर देखेंगे कि किसी भी टाइम पर आपको दो दो वेलॉसिटी मिले है यानी कि पार्टिकल आपका एक है एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं हो सकती है इट इज अंगेज द लॉ कि आप एक पार्टिकल है तो एक ही वेलासिटी होनी चाहिए उसकी दो दो डिफरेंट वेलासिटी कैसी हो जाएंगे तो ये दिस इज अनवेलिड तो यानी कि दिस कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डी सो दिस विल बी योर आंसर